बीजेपी पार्टी जो कहती थी कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये आतंकवादियों के लिए पुनर्वास नीतियां बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन जो लोग पिछले 26 सालों से मुफ्त में डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं
उनके लिए नीतियां बनाने के लिए इनके पास ना समय है और ना ही कोई तरीका है। बड़ी शर्मनाक बात है इनके लिए। इसलिए आज हमने दोबारा यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट रखा है। हम तब तक यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने नहीं आती। और अगर ऐसा बीजेपी नहीं करती, हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने नहीं लाती, तो DDC इलेक्शन में इनको इनकी औकात दिखा दी जाएगी। ये जो राष्ट्रभक्ति का एक इन्होंने चोला पहन रखा था, वो सब कुछ सामने आ चुका है। सबसे गद्दार पार्टी है बीजेपी। ये खुद अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ाने का काम कर रही है, उनको प्रोत्साहन दे रही है और जम्मू के लोगों को मजबूर कर रही है कि आप भी अपने हक के लिए गन उठाओ, पत्थर उठाओ, तभी आपकी रेगुलाइजेशन होगी। और हम इनको बता देना चाहते हैं कि अगर जम्मू के डोगरों ने पत्थर उठाया तो बीजेपी के लीडरों का जम्मू में रहना मुश्किल हो जाएगा, जम्मू की सड़कों के ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा।